क्या बनाएं कि पहले वीडियो से पैसा आना शुरू हो जाए, है ना। आपके मन में चलता है कि भाई ऐसा क्या करूं कि पहले वीडियो से ही पैसा आना शुरू हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इस टॉपिक पे वीडियोज नहीं बनाए हैं और वो लोगों को नहीं बता पा रहे हैं कि भाई पहले वीडियो से भी पैसा आना प्रारंभ हो सकता है, यदि आप जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो करना क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, अदर वीडियोज की तरह इसको स्किप वगैरह मत कीजिएगा, सुनिएगा बड़ी प्यार से। इंसान जब YouTube पे आता है ना पहली बार, मतलब नया नया चैनल बनाता है, तो उसको उतना ज्ञान नहीं होता है। अभी मेरे पास आप देख रहे हैं कितने सारे चैनल्स हैं, और भी हैं जो 1 लाख पूरा नहीं हुआ है, और बहुत सारे हैं जो 5 लाख पूरा हो चुका है, उससे भी ज्यादा है। तो जो नया नया चैनल आता है, बनाता है, क्रिएट करता है, तो उसको ये बात पता नहीं होता है कि पहले वीडियो से ही पैसा मिलना प्रारंभ हो सकता है अगर वो अच्छे तरीके से काम करे तो। उसको पता ही नहीं होता है, क्योंकि उसको कोई बताने वाला भी नहीं है, और वो क्या बोलूं आपको, लोगों को देख करके मोटिवेट हो जाता है और मोटिवेट करके अपना चैनल क्रिएट कर लेता है, और चैनल क्रिएट करने के बाद अब 10 दिन 20 दिन वीडियो डालता है और फिर छोड़ देता है। उसको लगता है कि यार पैसे तो मिल रहे हैं नहीं, तो फिर मेहनत मैं क्यों करूं। तो करना क्या है, करना यह है कि आपको अभी जो भी चैनल आपने बनाया है चलने दीजिए, जो भी चल रहा है चलने दीजिए, आप एक नया चैनल क्रिएट कर लीजिए किसी भी कैटेगरी में, किसी भी टॉपिक पे, आप जिसको मतलब लग रहा है कि हाँ मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बना सकता हूं, उस कैटेगरी में उस टॉपिक पे आप एक नया चैनल बनाइए, और अरे आराम से, बिल्कुल आराम से उसको सोचिए समझिए, उसके बाद से चैनल क्रिएट कीजिएगा। जिस दिन चैनल बनाइएगा उस दिन मत सोचिएगा, उससे पहले आप सोच लीजिए कंटेंट कि मुझे क्या बनाना है, किस टॉप, देखिए क्या बनाना होता है, किस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं कि वो वायरल हो जाए। हाँ यार, एक बात कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब लाइक जरूरी है, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपको बेनिफिट होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, ये दिमाग में रखिए। अब ऐसा टॉपिक क्या है, मैं कह रहा हूं ऐसा टॉपिक है जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में है, टॉप नंबर 1 पे आप आ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा हूं। देखो बिजनेस से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस आइडियाज होते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं मेरे, मतलब जब से मैं बिजनेस पे काम कर रहा था एक बिजनेस आइडिया चैनल पे, उससे पहले बहुत सारे बिजनेस आइडियाज चैनल थे, लेकिन वो ग्रो हुए थे और कुछ नए भी हुए थे, लेकिन मैंने जब बनाया तो मेरा भी वीडियोज ग्रो हो गया, मतलब वायरल हो गया। कैसे, अगर मेरा नया चेहरा था, नया मतलब चैनल था, तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। तो मैंने क्या किया, देखिए कुछ बातें ना आपको समझना होता है, जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक होती है, लोग कहते हैं कि ट्रेंडिंग पे बनाओ, ये होता क्या है, ये पहले ध्यान से समझ लीजिए। ट्रेंडिंग टॉपिक वो होती है जो, जैसे कोई गाना है, भोजपुरी एक्टर का है, हिंदी एक्टर का है, कोई गाना है जो ट्रेंड कर रहा है, मतलब कि उस पर 1-2 दिन में लाखों 50 लाख करोड़ों व्यूज आ गए, यानी वो ट्रेंडिंग में चला गया, समझ रहे हैं। एक ट्रेंडिंग का सेक्शन भी होता है, यूट्यूब को जब आप ओपन करते हैं तो एक ट्रेंडिंग का सेक्शन आता है जिसमें आल लिखा होता है, उसमें जितने भी ट्रेंडिंग वीडियोज होते हैं वो सब कुछ उसमें सजेस्ट करते हैं आपको, दिखता है, ज्यादा नहीं होते हैं, कोई दूसरे नंबर पर चल रहा होता है, कोई 5वें नंबर पर चल रहा होता है, कोई पहले नंबर पर चल रहा होता है, कोई 10वें नंबर पर चल रहा होता है, कोई 15वें नंबर पर चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा वीडियोज होते नहीं है उसमें, 20-25-30 वीडियोज होते हैं, है ना, उसके समथिंग होते हैं, और वो ट्रेंडिंग में होते हैं। आप देखो कि आपका जो टॉपिक है जिस पे आप वीडियोस बनाना चाहते हो, उस ट्रेंडिंग में कोई ऐसे वीडियोस है जो ट्रेंड कर रहा है, जिस भी टॉपिक पे आप बनाना चाहते हो, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हो सकता है कि आप शॉर्ट बनाते हैं, छोटी छोटी 15 सेकंड का 20 सेकंड का बनाते हैं या बनाती हैं, वो भी, ये भी हो सकता है, महिलाएं भी लोग हैं, बहने लोग हैं। तो करना क्या है, आप ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में चेक कीजिएगा, पहली बात, अभी मत जाइए, अभी मैं समझा रहा हूं वो समझ लीजिए, उसके बाद जाइएगा, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। ट्रेंडिंग वाली सेक्शन में जा करके आप देखिए कि मैं शॉर्ट बनाना चाहता हूं तो मेरे से रिलेटेड कोई शॉर्ट है जो ट्रेंड कर रहा है, अगर कोई शॉर्ट्स है तो आप उस वीडियोज को बढ़िया से 4 बार 10 बार 15 बार देखिए, समझिए कि इस बंदे ने या जो भी एक्टर है उसमें, उसने ऐसा क्या किया है ना, जिससे मैं बेटर कुछ कर सकता हूं। उसमें कैमरा का क्वालिटी देखिए, उसमें देखिए कि ऐसा इसमें क्या बोल रहा है, या कोई कौन सा गाना चल रहा है। ऐसा होता है कि कभी कभी शॉर्ट जो हम लोग बनाते हैं, कभी जो भी लोग बनाते हैं,
तो वो जो गाना चल रहा होता है ना पीछे, सॉन्ग जो बैकग्राउंड म्यूजिक या सॉन्ग होता है वो ट्रेंड कर रहा होता है, भले आदमी उसमें जो भी आपने एक्टिंग किया हो, मोबाइल से कैमरा से वीडियोस बना करके जो भी एक्टिंग किया हो, लेकिन एक्टिंग जो कर रहा है वो मैटर नहीं करता है, जो सॉन्ग ट्रेंड में चल रहा है उसकी वजह से उसके व्यूज बहुत ज्यादा आए हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसा अगर कोई गाना मिल जाता है, ऐसा कोई सॉन्ग मिल जाता है किसी भी लैंग्वेज में जो ट्रेंड कर रहा है, उस टॉपिक पे आप कुछ भी ऐसा कीजिए जो कि बाकी लोग नहीं किए हैं, या उस बंदा जो ट्रेंड में है वो बंदा नहीं किया है, या उससे मिलता जुलता कुछ भी ऐसा कीजिए कि लोग आपको देखें। देखो यार, सीधा सा मतलब है, अगर आपको पहली वीडियो से कमाई करना है, पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ समझना पड़ेगा कि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊंगा या सर्चेबल टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, तब जाके मेरे वीडियोस पे व्यूज आने का चांस है, और तभी जो है वो 50,000, 1,00,000, मिलियन में व्यूज आएगा, और तभी मुझे कमाई होगी। पहले वीडियो से भी कमाई हो सक्सकती है, लेकिन उस ये वीडियो क्रिएट करने से पहले, चैनल बनाने से पहले, वीडियोस बनाने से पहले, आपको अच्छे तरीके से 2-3 दिन समझना है इस बात को कि भाई कौन सा टॉपिक है जो आ रहा है, सर्च में आएगा या नहीं आ रहा है तो सर्च में आएगा। ये भी बात है कि कल परसों आने वाला है, जैसे होली आती है, होली मतलब आई थी, आती है नहीं, आई थी, या कोई त्योहार, कोई भी दिवस आ रहा है जो कि ज्यादातर लोग मनाते हैं, दीपावली, होली, रामनवमी, ये सब मनाते हैं ना, बहुत सारे लोग मनाते हैं, तो उससे पहले, 1 महीना पहले लोग ना उस पे गाना रिलीज करना शुरू कर देते हैं। जैसे होली आती है तो 1 महीना अलग अलग लैंग्वेज में, हर भाषा में गाना रिलीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि होली वर्ड से बहुत सारे गाने बनते हैं जिसमें होली का उसमें लिखा होता है, होली लिखा होता है, और उसको सर्च में जाता है वो, और वो देखो ट्रेंडिंग निकल जाता है उसमें, उस गाने में ट्रेंड ट्रेंड कोई कर जाता है, लेकिन वो पहले जो वर्ड है वो होली से रिलेटेड होती है, 2024, 2025, समझ रहे हैं? तो करना क्या है, तो हमें ये सब पहले आराम से समझ लेना है कि जो वर्ड ट्रेंड करने वाला है, और या फिर जो गाना म्यूजिक बैकग्राउंड जो बता रहा हूं आपको वो ट्रेंड कर रहा है, लंबा वीडियो जो है, छोटा वीडियो जो है ना, या फिर अगर ट्रेंड नहीं भी कर रहा है तो क्या ऐसी चीज है जो सर्चेबल है, जो सर्च में हो सकता है, या सर्च लोग कर रहे हैं, या फिर आने वाले 2-4 दिन, 10 दिन में सर्च करेंगे। होली कब है, एक ऐसा टॉपिक है, दिवाली कब है, ऐसा टॉपिक है जिसमें कि अधिकतर साल भर 1 महीना पहले लोग सर्च करना प्रारंभ कर देते हैं ये कब है, और आप देखो कि आप सर्च करके देखो कि होली कब है, दिवाली कब है, इस टॉपिक में जिन्होंने भी वीडियोस बनाया है उनका व्यूज लाखों में होता है, उससे भी अधिक होता है, शॉर्ट हो या बड़ा वीडियो हो। तो अब जब वायरल होगा, पहले वीडियोस पे 50,000, 1,00,000 व्यूज आएगा, पहले वीडियो से भी कमाई शुरू हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, हालांकि मिलेगा 2-3 महीने के बाद, क्योंकि इसका प्रोसेस है, लेकिन कमाई तो उसी से हो जाएगी, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटे का वॉच टाइम, ये सब पूरा हो जाएगा एक ही वीडियो से 10 दिन के अंदर हो जाएगा। हाँ यार, क्यों नहीं होगा, 10 दिन के अंदर यदि 1,00,000 व्यूज आ गया तो ये तो घंटा वंटा सब पूरा हो जाएगा। 2-3 दिन के बाद अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के बाद मोनेटाइज होगा, पैसा बनना शुरू है, मिलेगा लेकिन 2-3 महीना के बाद ही, क्योंकि इसमें देखो एडसेंस पिन आता है, बैंक अकाउंट जब ऐड करने का ऑप्शन आता है, उसके बाद से बैंक वाले आपके खाते में भेजेंगे, फिर यूएस से पैसा आएगा तो दिल्ली आएगा, फिर उसके बाद से मतलब थोड़ा समय लगता है, पैसा आपको 2-3 महीने में मिलेगा, लेकिन बनना जो है, पैसा बनना शुरू हो जाएगा वो आपको पहली वीडियो से ही, समझ रहे हैं? ये मेन बात यही है कि पैसा बनाना है तो उससे पहले आपको आगे जाना पड़ेगा, वायरल करना पड़ेगा, वायरल तभी होगा जब जिस हिसाब से मैं बताया हूं, ट्रेंडिंग टॉपिक, सर्चेबल टॉपिक, इस टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे तभी ये हो सकता है। देखो यार, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, मैं मोबाइल वाला यूट्यूबर है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी बात यदि पसंद आ रही है तो जरूर समझिएगा, लिखिएगा और कीजिएगा, यार मैं तो कहूंगा कीजिएगा, करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, बाकी ऐसे जितना भी मैं बोल लूं, जितना भी आपको समझा लूं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, जय हिंद।